नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। जीएसटी का 4 स्तरीय कर ढांचा, कम होगी महंगाई। अगले साल 1 अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू करने की दिशा में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के लिए 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के 4 स्तरीय कर ढांचे को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसमें खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं को शून्य कर दायरे में रखा गया है, जबकि सामान्य उपभोग की ज्यादातर वस्तुओं पर 5% कर लगाया जाएगा। इससे महंगाई को कम रखने में मदद मिलेगी। इसके विपरीत आलीशान कारों, तम्बाकू, पान मसाला, वातित पेय पदार्थों जैसी गैर जरूरी वस्तुओं पर सबसे ऊंची दर से जीएसटी लगेगा। इन पर अतिरिक्त उपकर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर भी लगेगा, जिसे कुल मिलाकर इन पर कर की दर मौजूदा स्तर पर ही रहेगी। जीएसटी में महंगाई को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। आम आदमी पर महंगाई का बोझ ना पड़े, इसके लिए सीपीआई में शामिल खाद्यान्न और दूसरी जरूरत की वस्तुओं सहित करीब आधी वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि दूसरी सामान्य वस्तुओं पर 5% की सबसे निम्न दर पर कर लगाया जाएगा। इसके अलावा 12 और 18 प्रतिशत की 2 मानक दरें रखी गई है। 28% की सबसे ऊंची दर के साथ ही अतिरिक्त उपकर लगाने पर भी सहमति बन गई है। इसे कुल मिलाकर कर की दर मौजूदा दर के आसपास ही रहेगी। तंबाकू पर मौजूदा व्यवस्था में कुल मिलाकर 65% कर लगता है। इसी प्रकार वातित पेय पदार्थों पर कुल 40% कर लगता है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि जिन वस्तुओं पर 30-31% की ऊंची दर पर कर लगता है, उन पर अब 28% की दर से कर लगेगा, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। शर्त यह है कि इस वर्ग में कई वस्तुएं हैं जिनकी बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, खासतौर से मध्यम वर्ग के लोग इनका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए 28 अथवा 30 या 31% की दर ऊंची होगी, इसलिए इन्हें 18% की दर में हस्तांतरित किया गया है। आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एलएसी पर बढ़ा तनाव, चीन ने रोका मनरेगा का काम। चीन सीमा पर उतरा वायुसेना का C-70 ग्लोबल मास्टर। भूमध्य सागर में दो नौका हादसे, 240 के मरने की आशंका। बरेली की दरगाह में उर्स पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक। पर्रिकर ने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निवारण 2 महीने में होगा।